अपराध किए हैं, एक के 17 अपराध हैं और एक के विरुद्ध 12 अपराध पहले से कायम हैं। तो ये श्री लायन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहाँ इनके जो है उत्तर सूची में इनके नाम हैं। और ये गांजा ऐसा अभी बताया कि उड़ीसा से ट्रेन से लेकर आए थे, पुलिस को खबर लगी और पुलिस ने घेराबंदी की और जो रेलवे की पुलिया है उसके पास भी ये बैठे थे बेचने के हिसाब से सप्लाई करने के लिए और पुलिस पहुंची और वहाँ को पकड़ लिया और पकड़ करके इसके विरुद्ध जो है NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। तो ये कोतवाली पुलिस की एक सर कल दो आरोपियों को गांजे से पकड़ा है, क्या कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गांजे के साथ पकड़ा है, एक बलराम है और एक आकाश नाम के पुतवलिया हैं। ये यहीं हरदा के रहने वाले हैं और ये उड़ीसा से ऐसा बता रहे हैं कि उड़ीसा से गांजा लेकर आए थे और पुलिया के पास में बैठे थे, पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने घेराबंदी करके इनको पकड़ा, तलाशी ली और उसमें गांजा पाया गया, जिसमें 14 किलो गांजा जो है पकड़ा गया है और दो आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें पूर्व में भी आरोपियों के खिलाफ कई प्रकार के मामले हैं क्या? हाँ, पूर्व में भी इनके विरुद्ध मारपीट, जुआ सट्टा और NDPS में गांजे में भी पहले पकड़े गए हैं। तो इनका पूर्व का रिकॉर्ड है, ये दोनों जो है गुंडा लिस्ट में हैं सिविल लाइन थाना क्षेत्र में और दोनों बदमाश हैं। तो कोई PR वगैरह लिया है इनका अभी? हाँ, इनका अभी PR लेंगे और पूछताछ करेंगे और आगे अगर कोई लिंक मिलती है तो उसको जिनका